कॉमन न्यूज सदैव सर्वांच्या सोबत। कॉमन न्यूजच्या ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आताच आमचे कॉमन न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि रहा आमच्या सोबत। अभी सबके दिमाग में एक ही तारीख चल रही है, 3 मई। क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा? सभी भारतीयों के दिमाग में अभी यही सवाल उठ रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना वायरस की असली तस्वीर मई के अंत और जून के शुरुआती हफ्तों में ही दिखाई पड़ सकती, तब जब कोरोना अपनी पीक पर होगा। और अगर कोरोना वायरस अपनी पीक पर होगा तो भला लॉकडाउन किस तरीके से होगा या कितना लंबा खींच जाएगा? सोच कर देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत से वैज्ञानिक इसी सवाल के उत्तर को ढूंढने में लगे हैं। अमेरिका की द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी कि BCG ने द जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा के आधार पर दुनिया के 20 देशों का कोरोना चार्ट तैयार किया है। इस चार्ट के मुताबिक चीन को छोड़कर बाकी देशों में जुलाई से पहले लॉकडाउन खोलना संभव नहीं है, लेकिन अगर लॉकडाउन हटा दिया जाता है चाहे किन्हीं भी वजहों से हो, हालात बेकाबू हो सकते हैं। तब बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के हिसाब से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में लॉकडाउन सितंबर तक खोलना ही सेफ हो सकता है, लेकिन अगर उसके पहले लॉकडाउन हटा दिया जाता है तो भारत की मेडिकल व्यवस्था को देखते हुए कोरोना के मरीजों की भारी वृद्धि हो सकती है। BCG ने ये रिपोर्ट अब तक के हालातों को देखते हुए बनाए और इसी रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि लॉकडाउन अगर सितंबर से पहले खोला गया तो भारी तबाही हो सकती है भारत पे। BCG की इस रिपोर्ट में हर देश के आंकड़े हैं, कौन से देश में कब कोरोना मरीज पाया जाएगा, कब उस देश में सबसे ज्यादा मरीज संक्रमित होने वाले हैं, और इसी डाटा के आधार पर सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने समय रहते लॉकडाउन की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन बाद में यह भी माना जा रहा है कि जून के तीसरे हफ्ते तक कोरोना भारत के पीक पर होगा। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये माना जा रहा है कि भारत में लॉकडाउन सही मायनों में सितंबर के दूसरे हफ्ते तक ही पूरी तरह खोला जा सकेगा। आपको बता दें कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी यानी कि BCG का डेटा हमेशा विश्वसनीय माना जाता है, इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इसी डेटा पर विश्वास कर रहे हैं। वहीं वेल्लूर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड क्लिनिकल वायरोलॉजिस्ट पी जेकब जॉन के मुताबिक अगर भारत में 3 मई को लॉकडाउन खुला तो कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं और बिना तैयारी के इसे संभाल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। 3 मई तक लॉकडाउन आसानी से हटाया जा सकता था अगर वक्त रहते वेंटिलेटर, PPE किट और क्वारंटीन सेंटर बना लिए जाते तो, लेकिन आज के हालातों को देखते हुए अगर लॉकडाउन जल्दी से खोला गया तो मुसीबतें और बढ़ सकती। इंग्लैंड के डॉक्टर नीरज पाटिल के अनुसार इंग्लैंड में भले ही 1.25 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हैं, पर उनका कहना है कि कोरोना अभी भी वहां अपनी पीक पर नहीं पहुंचा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक इंग्लैंड में कोरोना मई के महीने में अपनी पीक पर होगा और भारत अभी इससे बहुत पीछे है। और यही अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में कोरोना के मरीज मई जून में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। भारत की सरकार का खुद यही मानना है कि मई के महीने में कोरोना के मरीज सबसे ज्यादा मिलेंगे और उसके बाद ही कोरोना के मरीजों में कमी आएगी। हालांकि गृह मंत्रालय का इस पर कहना है कि बाकी मुल्कों के मुकाबले भारत में अभी बहुत कम मरीज है। सूत्रों के अनुसार भारत में टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है और आने वाले समय में अधिक से अधिक कोरोना मरीज हमें मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है, कोरोना के मामलों को पीक पर पहुंचने से पहले भारत की सरकार इससे निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर रही है और तैयारी करनी भी पड़ेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह खुद ये कह रहे हैं कि भारत में कोरोना जून मई के महीने में अपनी पीक पर होगा, पर उस समय भारत के 80-85% हिस्से संभावित रूप से प्रभावित हो सकते हैं। इतना ही, भारत के करीब 58% लोग इसके गिरफ्त में हो सकते हैं, ऐसे भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। वहीं गर्मी और कोरोना के कनेक्शन को लेकर भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, यानी कि गर्मी आने पर कोरोना का संक्रमण कम हो सकता है, मगर एक्सपर्ट्स का मानना है कि आंख बंद कर लेने से खतरा टलने वाला नहीं, क्योंकि ऐसी उम्मीद कम है। दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहां कोरोना ने तबाही मचाई है, जहां जनवरी से अप्रैल तक बहुत गर्मी पड़ती है। वेल्लूर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के रिटायर्ड वायरोलॉजिस्ट जैकब जॉनसन के मुताबिक ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो सर्दी आते आते कोरोना वायरस फिर से वापस आ जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर गर्मी उतनी ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं होगी। दुनिया के कई वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि भारत में कोरोना को पूरी तरीके से खत्म होने में 2020 का पूरा साल गुजर जाएगा। हालांकि इससे पहले उम्मीद की जा रही कि कोरोना की वैक्सीन ईजाद कर ली जाए। जानकारों का कहना है कि देश को वेंटिलेटर से ज्यादा PPE किट की जरूरत है, क्योंकि इसकी कमी के कारण मेडिकल स्टाफ धीरे धीरे संक्रमित होते जा रहे हैं। इससे पहली समस्या ये आएगी कि हमारे मेडिकल स्टाफ ऐसे मरीजों को देखने से पीछे हटने लगेंगे, और दूसरी समस्या ये आएगी कि मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर्स की कमी ही नहीं होगी, बल्कि अगर डॉक्टर संक्रमित हो गए या मेडिकल स्टाफ संक्रमित हो गया तो वो जितने पेशेंट्स देखेगा उन सबको भी संक्रमित कर सकता है, और फिर वो बाहर जाकर कम्युनिटी में जाकर समुदाय में जाकर और भी ज्यादा इन्फेक्शन फैला सकते हैं और ये बहुत घातक हो जाएगा। इसीलिए वेंटिलेटर से ज्यादा हमारे देश को
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई की जरूरत है जो डॉक्टर्स नर्सेज और सारे मेडिकल स्टाफ के लिए बहुत जरूरी है, अन्यथा वो ही संक्रमित हो जाएंगे और कम्युनिटी लेवल तक के पहुंच जाएगा भारत में संक्रमण। यही गलती इटली, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश कर चुके हैं, जो वेंटिलेटर पर ज्यादा तरजीह दे रहे थे, उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे और पीपीई किट्स जैसी चीजों को नीचे रख रहे थे अपनी प्रायोरिटी में, अपनी प्राथमिकता में, और उन्हें आज नतीजा भुगतना पड़ रहा है। आज के हालातों में दो तरह के एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं। एक ग्रुप एक्सपर्ट्स का यह कहता है कि लॉकडाउन बहुत जरूरी है और इसे 3 मई के बाद भी एक्सटेंड करना चाहिए, और दूसरा ग्रुप जो एक्सपर्ट्स का है वो विरोध में है कि अगर लॉकडाउन नहीं खुला तो अर्थव्यवस्था देश की पूरी तरह चरमरा जाएगी और कई लोग भूखे मर जाएंगे, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। आपका क्या मानना है, कौन सा लॉकडाउन प्लान आप सजेस्ट करना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी को, कमेंट सेक्शन में डिटेल में लिखकर जरूर बताएं, और जितना हो सके ये सवाल सभी से पूछें। इस वीडियो को शेयर कर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहां कहीं भी शेयर करना चाहें इस वीडियो को शेयर करें और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।